Hi everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. And our this video is related to theories of punishments. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दंड सिद्धांतों के बारे में. तो सबसे पहले क्राइम और पनिशमेंट का रिलेशन जानना ज़रूरी है, क्योंकि पनिशमेंट सिर्फ क्राइम करने पर ही दी जाती है. तो पहले हम ये जान लेते हैं कि क्राइम किसे कहते हैं. अब क्राइम एक रॉन्ग है, तो रॉन्ग भी दो तरह के होते हैं, एक सिविल रॉन्ग और एक क्रिमिनल रॉन्ग. तो क्रिमिनल जस्टिस में पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन सिविल जस्टिस में पनिशमेंट नहीं दी जाती. सिविल जस्टिस के केस में कोर्ट जो राइट्स वायलेट हुए होते हैं किसी पर्सन के, उनको एनफोर्स कराती है. तो अब क्राइम की डेफिनेशन क्या है? क्राइम की एज सच कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर सिंपल वर्ड्स में हम समझें तो क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो ना सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन के लिए हार्मफुल है, बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल होता है. तो ऐसे हार्मफुल एक्ट्स जो पूरी सोसाइटी पर भी बुरा असर डालते हैं, इसीलिए इन हार्मफुल एक्ट्स में पनिशमेंट दी जाती है, और इन्हीं हार्मफुल एक्ट्स को हम क्राइम कहते हैं. अब हर कंट्री में अलग अलग क्रिमिनल लॉ है. मर्डर, रेप, थेफ्ट हर कंट्री में क्राइम्स तो माने जाते हैं, लेकिन इनकी डेफिनेशन और इनकी पनिशमेंट हर कंट्री में अलग अलग मिलेगी आपको. सो नाउ कम्स टू द क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ ऑफेंस. तो ऑफेंस चार तरह के होते हैं. फर्स्ट इज अगेंस्ट पर्सन, यानी कि बॉडी इन्फ्लिक्टेड जो क्राइम्स होते हैं. सेकेंड इज वायलेंट ऑफेंस, थर्ड इज सेक्शुअल ऑफेंस, फोर्थ इज ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. इसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन ऑफ ऑफेंस है, जैसे कि क्राइम ऑफ फॉर्जरी है, चीटिंग है, ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन, कॉन्स्पायरेसी, जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, मोटर व्हीकल ऑफेंसेस एक्सेट्रा. तो ये सारे भी कैटेगराइजेशन ऑफ ऑफेंसेस हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे पनिशमेंट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पनिशमेंट? तो जब कोई पर्सन किसी लॉ को वायलेट करता है या कोई ऐसा रॉन्ग करता है जो सोसाइटी पर बुरा असर डालता है, और वो रॉन्ग अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड है, तो उस पर्सन को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए एक अनप्लीजेंट फीलिंग दी जाती है, जिसे हम सज़ा कहते हैं या पनिशमेंट कहते हैं. और इस पनिशमेंट की वजह से वो पर्सन या वो क्रिमिनल रॉन्ग डूअर फ्यूचर में ऐसा कोई रॉन्ग दोबारा रिपीट नहीं करता. तो पनिशमेंट के चार फीचर्स हुए अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो. पहला ये कि पनिशमेंट इज़ अ सीक्वल ऑफ रॉन्गफुल एक्ट. पनिशमेंट किसी के गलत काम करने पर दी जाती है उसको. सेकेंड इज़ पनिशमेंट इज़ अ फीलिंग ऑफ अनप्लीजेंट एंड अनकम्फर्टेबल सर्कमटेंसेस, विच मीन्स एक अनप्लीजेंट फीलिंग दी जाती है रॉन्ग डूअर को, जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हो. थर्ड इज़ देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड एंड द क्राइम कमिटेड, यानी कि जो पनिशमेंट दी गई है रॉन्ग डूअर को वो प्रोपोर्शनेट टू क्राइम होनी चाहिए. जैसे कि अगर हम थेफ्ट के लिए किसी को डेथ सेंटेंस दे दें तो क्या वो सही होगा? बिल्कुल अनफेयर होगा. तो फोर्थ इज पनिशमेंट इज़ अ फॉर्म बाय विच क्रिमिनल इज़ मेड आंसरेबल टू सोसाइटी. तो पनिशमेंट देने से क्रिमिनल आंसरेबल टू सोसाइटी हो जाता है. नाउ इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स पर. पनिशमेंट दो तरह की होती है, कॉर्पोरल एंड नॉन कॉर्पोरल. कॉर्पोरल जैसे कि डेथ, इम्प्रिजनमेंट, वेपिंग जिसे कोड़ों की सज़ा कहते हैं, बैनिशमेंट जिसे काले पानी की सज़ा कहते हैं, वो कॉर्पोरल पनिशमेंट्स कहलाती हैं जो बॉडी से रिलेटेड होती हैं. और नॉन कॉर्पोरल पनिशमेंट्स जैसे कि फॉरफीचर, फाइंस, सस्पेंशन, ये सारी नॉन कॉर्पोरल पनिशमेंट्स कहलाती हैं, क्योंकि ये बॉडी से रिलेटेड नहीं होती.
इसके बाद है ऑब्जेक्ट ऑफ गिविंग पनिशमेंट्स। तो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि पनिशमेंट देने का ऑब्जेक्ट या उद्देश्य क्या है, पनिशमेंट्स क्यों दी जाती है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है कि जो सोसाइटी में मिस्चीवियस या अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स हैं उनको सोसाइटी से बाहर निकाला जाए, यानी कि जो भी सोसाइटी में शरारती तत्व या गैर ज़रूरी तत्व हैं उनको सोसाइटी से एलिमिनेट किया जा सके, इसीलिए पनिशमेंट दी जाती है जिससे कि सोसाइटी में पीस एंड हार्मनी बनी रहे। और सेकंड ऑब्जेक्ट है, अब देखो हर सोसाइटी में क्राइम तो होता ही है, चाहे फिर वो सोसाइटी डेवलप हो, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर हो या ना हो, तो हर सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, एक लॉ अबाइडर्स जो लॉ को मानते हैं फॉलो करते हैं और एक लॉ ब्रेकर्स जो लॉ को तोड़ते हैं। तो लॉ ब्रेकर्स को लॉ अबाइडर बनाने के लिए इन्फ्लिक्शन ऑफ पनिशमेंट ज़रूरी है। तो दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक पीस एंड हार्मनी और दूसरा लॉ ब्रेकर्स को लॉ अबाइडर बनाने के लिए इन्फ्लिक्शन ऑफ पनिशमेंट ज़रूरी है। तो अब हम आते हैं थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट्स पर। आवर फर्स्ट थ्योरी इज रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। सो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एंशियंट जस्टिफिकेशन फॉर पनिशमेंट। तो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी बात करती है बदला लेने वाली पनिशमेंट की, एन आई फॉर एन आई, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा के प्रिंसिपल पर बेस्ड है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रॉन्गफुल एक्ट का बदला लेना ही पनिशमेंट है, रिवेंज को ही पनिशमेंट कहा गया है इस थ्योरी में। तो अगर कोई किसी को हर्ट करता है तो तुम भी दूसरे को हर्ट करके उससे रिवेंज ले सकते हो, उसे वैसी ही पनिशमेंट दे सकते हो जैसा रॉन्ग दूसरे ने आपके साथ किया है। ये थ्योरी थियोलॉजी, धर्मशास्त्र, एथिस्टिक और एक्सपिएट्री यानी कि प्रायश्चित के ग्राउंड्स पर बेस्ड है। जितना दूसरे ने आपको पेन दिया है आप भी उसे उतना ही पेन पहुँचा सकते हो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग और उसे पनिश कर सकते हो। तो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी और एक्सपिएट्री थ्योरी को साथ जोड़कर भी देखा जाता है, क्योंकि रिट्रीब्यूटिव थ्योरी में ये माना जाता है कि जब विक्टिम सेम पेन पहुंचाता है क्रिमिनल को तो उसको उसी तरह का पेन पहुंचता है और वो इसी तरह पेन को फील करके अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करता है। सो द क्रिटिसिज्म of this theory is that it ignores the circumstances of criminals. तो ये थ्योरी क्रिमिनल के सर्कमटेंसेस को इग्नोर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने दूसरे पर्सन को किन हालातों में मारा, क्या अपना बचाव करते वक्त मारा या फिर गलती से दूसरे को चोट लगी, इन सब सर्कमटेंसेस पर गौर नहीं करती रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। और क्या ऑफेंडर इंसेन है, एज में कम है या वुमेन ऑफेंडर है, ये सब चीज़ें भी रिट्रीब्यूटिव थ्योरी इग्नोर करती है, क्योंकि रिट्रीब्यूटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ रिवेंज या बदला लेकर ही क्रिमिनल को पनिश किया जा सकता है। तो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी क्राइम के कॉजेस को रिमूव नहीं करती, सिर्फ बदला लेने की भावना ही रखती है और बदला लेने की भावना क्राइम को और बढ़ावा देती है। द सेकेंड इज डिटरेंट थ्योरी। तो डिटरेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग अपराधी की प्रवृत्ति ही अपराध करने की होती है, तो उसको सुधारने के लिए अपराधी या क्रिमिनल को कठोर से कठोर या सीवियर पनिशमेंट दी जानी चाहिए ताकि वो ये क्राइम लाइफ में दोबारा ना करें। और क्रिमिनल को इतनी सीवियर पनिशमेंट दी जानी चाहिए कि ना सिर्फ क्रिमिनल बल्कि जो बाकी के लोग हैं सोसाइटी में वो भी कोई क्राइम करने की हिम्मत ना करें। तो इस थ्योरी का ऑब्जेक्ट है कि सोसाइटी से कठोर पनिशमेंट देकर रिमूव किया जाए जिससे लोगों में पनिशमेंट का डर हो और क्राइम करने से लोग डरें। और ये थ्योरी यूटिलिटेरियन थ्योरी पर बेस्ड है, क्योंकि डिटरेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई क्रिमिनल तब बनता है जब सोसाइटी और रॉन्ग डूअर के इंटरेस्ट के बीच कन्फ्लिक्ट हो। अगर डिटरेंट थ्योरी का एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुगल पीरियड में सिर्फ चोरी और फॉर्जरी के क्राइम के लिए भी डेथ और मल्टीलेशन ऑफ लिम्ब्स जैसी कठोर पनिशमेंट्स दी जाती थी, और आज भी कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ में जैसे साउथ अरेबिया या इराक में आज भी डिटरेंट थ्योरी के बेसिस पर ही सीवियर पनिशमेंट के प्रोविजन्स बनाए गए हैं। इसके बाद
डिटरेंट थ्योरी का क्रिटिसिज्म। तो फर्स्ट है, हार्डन क्रिमिनल्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता कठोर दंड का, तो डिटरेंट थ्योरी हार्डन क्रिमिनल्स के केस में फेल हो जाती है। सेकेंड इज़, जो ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स होते हैं उनके केस में डिटरेंट थ्योरी काम नहीं करती, क्योंकि कई बार क्रिमिनल बिना किसी मोटिव या प्लानिंग के क्राइम करता है। और उसके बाद थर्ड है, कैपिटल पनिशमेंट या किसी ह्यूमन गैदरिंग में भी चोरी या जेब कतरने के क्राइम होते हैं, यहाँ भी डिटरेंट थ्योरी फेल हो जाती है। फोर्थ है, कई बार एक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है क्रिमिनल केस में, और अपराधी लैक ऑफ एविडेंस या लैक ऑफ प्रूफ की वजह से बच जाता है। द थर्ड थ्योरी इज प्रिवेंटिव थ्योरी। तो प्रिवेंटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्राइम को कम करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स यूज किए जाते हैं, जैसे इम्प्रिजनमेंट या डेथ पनिशमेंट्स हैं। तो क्रिमिनल को प्रिजन में रखकर सोसाइटी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, ताकि वो दोबारा सोसाइटी में रहकर क्राइम नहीं कर सके। तो प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफेंडर्स को डिसेबल करती है रिपीटेड क्राइम करने से। फॉर एग्जांपल, ए ट्रेसपासिंग का नोटिस लगाता है, तो ये ट्रेसपासिंग का नोटिस ट्रेसपासर्स को प्रिवेंट कर रहा है ट्रेसपासिंग करने से। तो लॉ क्राइम से पहले जनरल वार्निंग देता है, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रोहिबिटेड काम करता है तो वो लाइबल है इम्प्रिजनमेंट के लिए। एक और एग्जांपल है प्रिवेंटिव थ्योरी का, किसी का जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करना। तो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने से भी दोबारा से कोई ट्रैफिक रूल्स को वायलेट नहीं कर पाएगा। इसके बाद इसका क्रिटिसिज्म है कि प्रिवेंटिव थ्योरी जुवेनाइल या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जुवेनाइल्स या जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को अगर हम प्रिजन में रखेंगे तो सोसाइटी में और क्रिमिनल्स पैदा हो जाएंगे। फोर्थ इज़ रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्रिमिनल्स को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए, और मॉडर्न पेनोलॉजी क्रिमिनल्स को मेंटल पेशेंट मानती है, जो बाकी सब ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही हैं, सिर्फ लाइफ में सही गलत नहीं समझ पाते तो क्राइम कर बैठते हैं। इसीलिए ऐसे क्रिमिनल्स को रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत है। तो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी क्रिमिनल्स को एक चांस देने की बात करती है कि वो अपनी आपराधिक प्रवृत्ति को छोड़कर एक लॉ अबाइडर सिटीज़न बन सके। तो जब भी जजेस पनिशमेंट प्रोनाउंस करते हैं, उनको ऑफेंडर्स के कैरेक्टर, सर्कमटेंसेस और एज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं जिसे हम क्रिमिनल समझ रहे हैं उसके साथ खुद ही गलत हुआ हो इसीलिए वो क्राइम करता हो। तो ये थ्योरी ज़्यादातर जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स, फर्स्ट ऑफेंडर्स, एल्कोहलिक्स, मेंटली डिप्रेव्ड ऑफेंडर्स के लिए ज़्यादा यूजफुल है। और इसका क्रिटिसिज्म है कि हार्डन और प्रोफेशनल क्रिमिनल्स के लिए रिफॉर्मेटिव थ्योरी का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि जो लोग रिपीटेड क्राइम करते हैं या प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करना काफ़ी मुश्किल है। इसके बाद है थ्योरी ऑफ कंपनसेशन। अब क्रिमिनल को तो पनिशमेंट मिल जाती है, लेकिन विक्टिम को क्या हासिल होता है? कुछ भी नहीं। इसीलिए अब कई क्राइम्स के अंदर कंपनसेशन का भी प्रोविज़न दिया है, जैसे कि रेप या सेक्सुअल असॉल्ट या डिफेमेशन जैसे क्राइम्स में विक्टिम को कंपनसेशन दिया जाता है। और इसका क्रिटिसिज्म है कि क्राइम करने का मोटिव हमेशा इकोनॉमिक नहीं होता, और ये थ्योरी क्राइम के कंसेप्ट को ओवर सिंप्लीफाई करती है। इसके बाद है लास्ट, एक्सपिएट्री थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और उसको अपने किए पर गिल्टी फील हो, तो वही उसकी सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है। तो ये थ्योरी आज के टाइम में इतनी यूज़फुल नहीं है। फर्स्ट फोर थ्योरीज मेन है। सो फर्स्ट फोर थ्योरीज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और इन थ्योरीज़ में से ज़्यादातर एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि क्लैट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इन विच थ्योरी अ क्रिमिनल इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम सोसाइटी बाय इम्प्रिजनमेंट, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रिवेंटिव थ्योरी। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।